देखो, अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो चांसेस आर कि आप एक मैक पे काम करते हो, या हो सकता है आप एक मैक लेने का प्लान कर रहे हो। मैं आपको आज बताता हूँ कि मेरे कुछ पर्सनल फेवरेट जो मैक्स हैं, मैकबुक्स हैं, वो कौन सी हैं। और आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट M3 चिप के साथ में आने वाले मैकबुक एयर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत हुई थी बहुत सालों पहले, जब से मैंने मैक को यूज़ करना स्टार्ट किया। आई थिंक अब तो 15 साल से पुरानी बात हो गई है। और मैंने बहुत सारे अलग अलग मैकबुक्स को यूज़ किया है, प्रो लाइन में भी गया, एयर भी यूज़ किया। इनफैक्ट मैंने एक छोटा 11 इंच वाला मैकबुक एयर भी यूज़ किया था। इट वॉज विद इंटेल i5 प्रोसेसर बैक इन दोज डेज। बट सबसे बड़ा जो रिवोल्यूशन है वो आया विद दिस वन। एप्पल ने जब M1 चिप को अनवील किया ना, मतलब एप्पल की अपनी डिजाइंड चिप, एप्पल की खुद की चिप, और मार्केट में आया ये M1 चिप वाला मैकबुक एयर, साथ में मैकबुक प्रो भी था। गाइज, इट वॉज अ क्रेजी अपडेट। मतलब हमने पास्ट में जितना भी देखा था अब तक मैक्स को, ये एक अलग गेम चेंजर था। तो ये है मैकबुक एयर विद M1 चिप। काफी टाइम हो गया इसको आए हुए, बट स्टिल A really, really, really powerful and awesome machine to work on. हम इसको अभी भी यूज करते हैं। देखो, कोने वोने में थोड़ा सा गिर विर के यहाँ पे डेंट भी आ गया है, बट देन अगेन यू नो मैक्स कितने ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। उसके बाद हमको और बहुत सारे iterations मिले, और ये है फिर हमारे पास में M2 चिप वाली MacBook Air। ये भी 13 इंच के साइज में आती है, रीडिजाइन हो गया है पूरा का पूरा, थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया है, बट अगेन रियली अमेजिंग लैपटॉप। बट आज जो हमारे पास में है वो है ये। एंड गाइज, दिस इज द लेटेस्ट 15 इंच वाला मैकबुक एयर का मॉडल विद M3 चिप। तो आज हम इसी को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या फ्लेवर चेंज हो गया है और कितनी नई पावर आ गई है इस मैकबुक में। टिपिकल एप्पल स्टाइल में सबसे पहले हम, जी हाँ, ये करना बहुत जरूरी होता है, तो रिमूव दीज और फिर देखते हैं हाउ इज द एंटायर एक्सपीरियंस। ये एक अलग फील देता है टू बी ऑनेस्ट। फिर अगर हम देखते हैं नीचे, डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, इट हैज टू बी। और हमारे पास में एप्पल स्टिकर हैं, जी हाँ, जिस कलर की मैकबुक उसी कलर के एप्पल स्टिकर्स। फिलहाल ये हैं मिडनाइट कलर में कुछ रीडिंग मटेरियल के साथ में। फिर हमारे पास में ये एक 35 वॉट्स वाला ड्यूअल USB-C आउटपुट वाला ये चार्जर है टू चार्ज दिस मैकबुक एंड मे बी आपका आईफोन या एप्पल वॉच या कुछ भी जो आप साथ में चार्ज करना चाहते हैं। और फिर ये एक ब्रेडेड केबल है जहाँ पे एक तरफ USB-C कनेक्टर है, एक तरफ मैगसेफ 3 कनेक्टर है, और ये कलर कोडेड है, मतलब जिस कलर का मैक उस कलर की आपको केबल मिल जाएगी। एंड टेक ऑफ दिस रैप, ओके, एंड This is the all new MacBook Air M3 chip 15 inches में, और इसको हम ऑन करते हैं। अब गाइस, मैं करता हूं इसको बूट एंड लेट्स फिगर आउट हाउ एग्जैक्टली इज दिस ऑल न्यू स्लीक लाइट वेट बट वेरी पावरफुल MacBook Air पावर्ड बाय एप्पल M3 चिप। गाइस देखो, M1 से M2 और M2 से M3, फाइनली आई हैव दिस मशीन। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट्स अनबिलीवेबल टू एक्सपीरियंस कि यार इस फॉर्म फैक्टर में कितनी पावर आखिर एप्पल पैक कर सकता है। एंड आई मस्ट टेल यू, द पावर इज रियली नेक्स्ट लेवल, बिकॉज जो अपडेट्स हो गए हैं ना, मतलब विद ईच आइट्रेशन सो मेनी इंप्रूवमेंट्स कमिंग इन, कि जो एक्सपीरियंस है वो पूरा एकदम नया नया फ्रेश हो जाता है। अगर आपको याद हो तो 15 इंचेस का जो मैकबुक एयर है वो M2 चिप के साथ में आ गया था, एंड दिस इज द सेकेंड जनरेशन नाउ फ्रॉम M2 टू M3 विद द 15 इंच मैकबुक एयर। अगर हम एक बेसिक लेआउट की बात करते हैं तो डिजाइन इज क्वाइट सिमिलर, आई वुड से एग्जैक्टली द सेम जैसा हमको मिला है अभी तक। बिकॉज यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास में ये एक मैगसेफ 3 कनेक्टर हमको मिल जाता है, फिर हमारे पास में दो ये USB-4 पोर्ट्स हैं जो कि थंडरबोल्ट 3 स्पीड्स को सपोर्ट करते हैं। क्लीन डिजाइन ऑल अराउंड, सामने आपको हल्का सा ये एक मिल जाता है ग्रूव टू ओपन इट अप, और मैक की लिड है, तो यू नो विद जस्ट द टिप ऑफ माई फिंगर
मैं बड़े आराम से इसको ऐसे ओपन कर सकता हूँ, लैपटॉप हिलेगा नहीं यहाँ से। मतलब दिस इज अ क्लियर साइन ऑफ अ वेरी नाइसली मेड हिंज कि दिस लैपटॉप आपका ना यहाँ से उठ जाता है, ऐसा होता है। यहाँ पे मैक में ऐसा नहीं होता, इट इज़ वेरी स्टेबल एंड वेरी इजी। फिर अगर हम बात करते हैं इस तरफ, तो अगेन अ क्लीन डिज़ाइन, और हमारे पास में ये एक कॉम्बी जैक है टू अटैच योर हेडफोन्स माइक्स एट्सेट्रा। पीछे अगर आप देखोगे, इट्स अ क्लीन लुक विद फोर रेज्ड फीट्स, रबर फीट्स फॉर नाइस ग्रिप ऑन द टेबल, ताकि वो ज़्यादा मूव ना हो। फिर हमारे पास में यहाँ पे आपको जो ये डिज़ाइन मिल रहा है बेसिकली दिस ग्रूव, होता क्या है कि जब आप इसको ओपन करते हो तो दिस स्पेस एग्जैक्टली हियर, यहाँ पे हमारे पास में स्पीकर्स हैं। इट हैज़ अ 6 स्पीकर सिस्टम विद फोर्स कैंसिलिंग सबवूफर्स, तो आपको जो ऑडियो एक्सपीरियंस है 15 इंच वाले मॉडल में बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं कीबोर्ड की, इट्स अ फुल साइज कीबोर्ड। टच बार अभी गायब हो चुकी है आपको पता है फ्रॉम द एप्पल्स लाइनअप, तो आपको एक नाइसली स्पेस्ड आउट काफ़ी अच्छा कीबोर्ड मिलता है। एंड माई एक्सपीरियंस ऑफ टाइपिंग ऑन मैक्स, द बेस्ट पार्ट इज कि आप जितने मर्जी मैकबुक चेंज करो, आपका टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। और एक बार आपको इन कीज़ की आदत लग गई तो आप मैक स्विच करो, कोई टेंशन नहीं है, स्टिल टाइपिंग इज़ वेरी गुड, यू नो। और यहाँ पे आपके पास में फिर एक बड़ा सा ट्रैक पैड है, जेस्चर्स काफ़ी अच्छे से आप इसमें यूज़ कर सकते हो। और फिर ये है एक 15.6 इंचेस का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज पे काम करता है। यहाँ पे आपको ऐसा नॉच जैसा डिज़ाइन मिलता है, सिमिलर टू द आईफोन्स यू नो अनटिल 14 सीरीज। और यहाँ पे लगा है एक फुल HD वेबकैम, और स्क्रीन जो है वो डेफिनेटली 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस लेके आता है। और आपको जो एक्सपीरियंस देता है ना, मतलब अगर आप वीडियो वगैरह देख रहे हो, अगर आपको अपना फेवरेट शो देख रहे हो, गेम्स वगैरह खेल रहे हो, नॉर्मल अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो, तो स्क्रीन इज रियली ब्राइट, और आपको मतलब एक अच्छा रिच क्वालिटी का स्क्रीन मिलेगा फॉर श्योर। हाँ, जो बेजल्स हैं वो बेसिकली कंपेयर्ड टू मैकबुक प्रो फॉर एग्जांपल आपको थोड़ी ज़्यादा मिलती है, बिकॉज मैकबुक प्रो में थोड़ा सा और पतली पतली बेजल्स हैं। अगर हम बात करते हैं गाइज इंटरनल्स की, थिंग्स गेट रियली एक्साइटिंग हियर, बिकॉज अंदर हमारे पास में एप्पल की M3 चिप है, जहाँ पे वॉट वी हैव इज 8-कोर CPU, 10-कोर GPU, 16-कोर न्यूरल इंजन। जो मेमरी है इट स्टार्ट्स एट 8 GB, लेकिन यू कैन गो ऑल द वे फ्रॉम 16 टू इनफैक्ट इवन 24 GB ऑप्शंस हैं, यू कैन कॉन्फिगर द वे यू वांट। स्टोरेज स्टार्ट्स एट 256 GB, बट हम इसको कॉन्फिगर कर सकते हैं 512 GB या 1 TB या इनफैक्ट 2 TB तक, जितनी आपको चाहिए उतनी ज़्यादा। 66.5 वॉट आर की इसके अंदर बैटरी कैपेसिटी लगी है, और बैटरी मतलब भाई मैकबुक एयर का ना दबदबा है इस फील्ड में। आई डोंट थिंक कि कोई और लैपटॉप कभी भी नज़दीक भी आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे आप उसको एक बार चार्ज करो एक दिन आराम से, सुबह से लेकर शाम तक ना खोल के काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, नहीं खत्म होगी। और जो लोग हल्का फुल्का काम करते हैं उनकी तो बैटरी 3-3, 4-4 दिन चल जाती है, बिकॉज वो अगर डेली 2-3 घंटा भी अगर लैपटॉप पर काम करते हैं, स्टिल द बैटरी होल्ड्स ऑन फॉर लॉन्ग। और अगर डिस्चार्ज हो जाए तो क्विकली यू कैन टॉप इट अप वेरी इजीली। अब यहाँ पे ये जो लैपटॉप है ये किसके लिए है, मैं आपको ये बताया था। काफ़ी पावरफुल तो ये है लैपटॉप, बट ये मोस्टली लोगों के लिए जिनको हल्का फुल्का कभी कभी काम करना पड़ सकता है, थोड़ा सा हाई एंड वाला भी, अदरवाइज वो नॉर्मली ब्राउज करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम करते हैं, या यू नो कुछ प्रोजेक्ट लेके बैठे हैं, अगर कुछ स्लाइड्स बना रहे हैं या कुछ रिसर्च कर रहे हैं उस स्केल पे, तो ये काफ़ी जैसे फिट हो जाता है। और यहाँ पे ये लैपटॉप भी अगेन वी थ्रू द बेंचमार्क्स रिजल्ट्स आपके सामने हैं, हमने इसमें गेम भी खेल लिया, हमने एडिटिंग वाले काम पे वो भी कर लिया, मतलब इनफैक्ट आप इसमें बड़े आराम से 4K वीडियो एडिट वगैरह कर सकते हो। आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है ना वो बहुत अच्छी मिलती है, लंबे टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हो, और जो इंस्टेंट आपको रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब आई विल शो यू अ डेमो रियल क्विक, लेट्स सी, मतलब आई एम नॉट श्योर कि ये कैसे होगा, बट एक बार देखते हैं। चलो नाउ मेरे पास में यहाँ पे डॉक में जो भी है ना, मैं एक एक करके ओपन करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स ओपन सफारी, ओ सफारी खुल चुका है एक क्लिक में, मैसेजेस, मेल, मैप्स, फोटोज, फेस टाइम, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, रिमाइंडर्स, नोट्स, फ्री फॉर्म, एप्पल टीवी, एप्पल म्यूजिक, कीनोट, नंबर्स, पेजेस, ऐप स्टोर, सेटिंग्स। और ये देखो क्या हुआ है इसमें, देख रहे हो आप, ये इसको बोलते हैं स्मूथनेस। और ये बाय द वे सभी ऐप्स को मैं फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ, ये पहले ओपन नहीं हुई है। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं जाता हूँ लेट से इधर, इधर गया मैं, गया इधर, इधर था मैं, आ गया इधर, मतलब यहाँ पे जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब लेट से क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, कंटिन्यू, क्रिएट अ स्प्रेडशीट, कंटिन्यू, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, ये देख रहे हो आप,
ये जो है मैं इधर से एप्पल टीवी पे आ गया स्टार्ट वॉचिंग, मैं इधर से यहाँ चला गया टू एप्पल म्यूजिक स्टार्ट लिसनिंग, मैं यहाँ से इधर चला गया टू द फ्री फॉर्म एप्लीकेशन. मतलब दिस इज द स्मूथनेस जो आपको केवल एक मैक में मिलती है, और ये सिर्फ इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. अगर मैं चाहूँ मल्टीटास्किंग करना तो मतलब मैं अगर और ऐप्स खोल लूँ, या आई मीन मैंने ना सफारी में 100-150 टैब्स खोली होती हैं कई बार, और मल्टीपल सफारी विंडोज फॉर दैट मैटर. माय मैक इज रॉक स्टेबल. तो ये है जो आपको पावर मिलती है इन एप्पल मैक. और मजे की बात M3 चिप के साथ में तो मतलब एक अलग लेवल पे एप्पल ले गया इन सब चीज़ों को. AI के लिए फॉर एग्जांपल, बिकॉज नाउ व्हाट वी हैव इज अ 16-कोर न्यूरल इंजन, तो ये लैपटॉप्स काफ़ी अच्छे से मतलब यू नो दे आर सुपर केपेबल ऑफ अचीविंग वट एवर यू कैन से. अब अगर हम बात करें गाइस प्राइस की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्राइस में एप्पल गेव अस अ नाइस सरप्राइज. एंड द सरप्राइज इज कि जो M2 चिप वाली मैकबुक एयर है, दिस राइट हियर, ये वाला 13 इंच वाला मॉडल, ये अभी तक मिल रहा था 1,19,900 रुपये का. बट अब इसके आने के बाद इसकी प्राइस कम हो गई है, और ये अभी स्टार्ट होता है 99,900 से. और अगर आप एप्पल एजुकेशन के लिए बाय करेंगे तो 89,900. जो नए वाले मॉडल्स हैं M3 चिप वाले, उसमें जो मैकबुक एयर 13 इंच वाला है उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 1,14,900 रुपये से. और ये जो 15 इंच वाला मैकबुक एयर का मॉडल है विद M3 चिप, इट स्टार्ट्स एट 1,34,900 रुपीज़. गाइस इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन, अगर आपको एक बड़ा स्क्रीन चाहिए, इफ़ यू वॉन्ट दिस काइंड ऑफ फॉर्म फैक्टर, गो विथ दिस साइज. अदरवाइज आप देखोगे ना, मतलब ऑल दो दिस इज द M2 चिप मॉडल, बट दे आर आइडेंटिकल. मतलब द वे पोर्ट्स वगैरह आपको मिलते हैं, जो फॉर्म फैक्टर है वो एग्जैक्टली सेम है. इट जस्ट कि थोड़ा छोटा है साइज में, 13 इंच का मॉडल है, ये 15 इंच का मॉडल है. तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पिक कर सकते हैं विच एवर मॉडल यू प्रेफर. बट मैं ये बोलूंगा फॉर स्टूडेंट्स या वो लोग जिनको प्रोफेशनल काम करना है और उनको अपना लैपटॉप अटकाना नहीं है. मतलब आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक और, लेट्स ओपन इट अप. This is what we call the speed. बंद था, ओपन किया ये, और सारी एप्स आपके सामने हैं as it is. ये लो जी यहाँ चला गया. This is what you'd want to have अगर आप कुछ सीरियस काम कर रहे हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि वो you know how it is. तो स्टूडेंट्स के लिए यार काफी इंटरेस्टिंग बात होती है, और स्टूडेंट्स के लिए खासकर से ये जो है ना M1 चिप वाला, इट स्टिल इज अ रॉक स्टार, इट स्टिल इज अ चैंपियन. तो आप ये भी ले सकते हैं. आई थिंक अब तो प्राइस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो गई है. गाइस ये था नया वाला मैकबुक, रियली बिल्ड लाइक अ टैंक, और मजा आता है यूज करके. आप बताओ कि आपका क्या कहना है इस मैक के बारे में, M3 चिप वाली मैकबुक के बारे में, नीचे कॉमेंट करते हुए. मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में. इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम.